बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज मैं तस्नीम मर्चेंट के कलेक्शन को अभी शोकेस किया है. आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक, शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. ऑल्सो द फैक्ट दैट वो आर्टिशंस को प्रमोट करती हैं और ये कॉटन का एक ऑप्शन है जो जिससे उसने उन्होंने कपड़े बनाए हैं, ये बनाए हैं और इस बहुत फैशनेबल भी है, एट द सेम टाइम कंजर्वेटिव भी है. सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आई एम वॉकिंग फॉर तस्नीम मर्चेंट. Where are you guys sitting? Especially all the media press. Should I smile? Should I not smile? No. Seriously, the fact that you have to showcase somebody's passion, somebody's love, the way they have put everything together, and you should be very conscious of what you are with, what idea you are with on stage. So, मुझे लगता है कि मैं बहुत conscious रहती हूँ कि मुझे जिस चीज़ के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया उसकी responsibility निभानी है. So the beautiful attire which you're talking about is made by her. Guys, presenting Tasneem Merchant for all of you. And ye cotton ka ek option hai jiska naam hai handloom. Ha, to bataiye iske bare mein aap. Yeah, so basically we are promoting Hindi mein bolna hai. Yeah, so it is basically we are promoting Indian textiles, handlooms and sustainability and social equity for the weavers of India. So and it's an option of It's an option of cotton to use different fibers like banana fibers, Assami silk, and the most important, all these women are working for a social cause. Neetu Chanda representing the social cause herself. So, and of course, you know, as everybody knows her credential, she has agreed to work only because of sustainability and social equity. That's true. मैं बचपन से कभी नर्वस नहीं हुई हूँ, कभी भी नहीं नर्वस हुई हूँ. आई बीन अ स्पोर्ट्स गर्ल, मुझे नर्वस होना नहीं आता है. लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी घबराहट होती है कि यू नो यू हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ इट रियली रियली वेल. नर्वस नहीं होती क्योंकि मैं खींचती रहती हूँ कॉन्फिडेंस एंड एनकरेजमेंट. हाँ, अब आए रास्त बताइए. वॉट बैड हैबिट? आई हैव अ स्वीट टूथ विच इज सच अ बैड हैबिट फॉर अस. वो मैं चेंज करना चाहती हूँ लेकिन कभी नहीं होता. सो बट आई थिंक आई एम ओके. नो, आई थिंक इट्स वेरी बैड, इट्स नॉट अ राइट थिंग. ये बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो इतने मेहनत से, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सभी बहुत मेहनत करते हैं, और इस तरह से अगर पेपर्स बाहर हो जाएं तो रिजल्ट्स की जिसके इंतज़ार होती है वो नहीं होनी चाहिए. आई थिंक इट्स नॉट राइट. ओके मैम, आपके एक्टिंग को तो बहुत ही अप्रिशिएट किया गया लोगों ने, बट अब एक न्यू आपका अवतार देखने मिला एज अ सिंगर. आप रेखा भारद्वाज के साथ गाने मारे, उसके बारे में ये कौन सा न्यूज़ है? मुझे भी न्यूज़ मिल रहा है. ये आई एम नॉट गोइंग टू सिंग विद रेखा भारद्वाज, आई एम फीचर्ड इन रेखा भारद्वाज. तो टेल अस समथिंग अबाउट इट. My God, फांसी लगा दो मुझे रेखा जी के साथ गाना. Are you serious? She's such a soulful voice, and you know, जिस तरह से उन्होंने गाना गाया है, जो गाना ready है, we are shooting in Los Angeles, and I'm featured. Let me please correct it. I'm not singing with Rekha Bhardwaj at all. मैं सिर्फ फीचर हो रही हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि आफ्टर राहत फ़तेह अली खान के वीडियो के बाद मुझे रेखा जी के वीडियो का में फीचर होने का मौका मिल रहा है. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. बाय द वे, एक और न्यूज़ है, बता दो इन लोगों को कि वो नहीं नहीं मैं पीआर इज सेइंग नो, आई एम सॉरी. हम लोग को भी न्यू नो 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 आई सॉरी. सो माई यू नो आई डू उमराव जान, सो माई प्ले इज़ बैक इन मे. And around, we are, this year we are going to do 25 shows of Umraj and back 2 hours live on stage, and that is also Rekha Bhardwaj's music, and I play a girl from 17 saal to 82 saal ki ladki ka role play karti hu. So aaiye aap log dekhiye, prithvi pe hoega. Shukriya sab log, thank you so much for coming. Thank you. Mahesh, chal rahe.